मेरे दोस्त, आज की वीडियो में बात करते हैं फॉर्म 16 ऑफर लेटर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारे के बारे में, क्योंकि एक कमेंट मेरे पास ऐसा पड़ा है जो कि मुझे लगा शायद उस पर एक दो मिनट का वीडियो बन सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट वे में बता दूं, वहाँ पे किसी ने लिख रखा था कि नहीं फॉर्म 16 भी मांगते हैं, सैलरी स्लिप भी मांगती है, सारी चीज़ें लिख रखी थी। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, सैलरी स्लिप तो देखो मैंडेटरी होती है जो आपको देनी ही पड़ती है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट्स आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल इन द सेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने सैलरी स्लिप सबमिट कर दी, ठीक है, आपने ऑफर लेटर वगैरह दे दिया, रिजिग्नेशन लेटर दे दिया, रिलीविंग लेटर, जो भी आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए। अब होता क्या, वो सैलरी स्लिप में पीएफ नंबर होता है, उससे वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट कराते हैं। उस पीएफ नंबर से आपकी सैलरी स्लिप से आपकी सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर देख के, इसके बाद होता क्या कि जब वो सैलरी स्लिप आप दे दो ना, उसमें अगर कुछ मिस्टेक पाई जाती, उनको लगता है कि ये मुझे कुछ फेक लग रहा है, उनको लगता है कि 2% कन्फ्यूजन है, तो हो सकता है कि वो मांग लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो सकता है वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी स्लिप एक्चुअल है, सही है, तो मान लो आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं, ना वो मांगा जाता है। पहली चीज ये मैं आपको क्लियर कर दूं एकदम 100%, ये सच है। जब आपके सैलरी स्लिप में कुछ उन्हें प्रॉब्लम लगती है, कुछ आपने गड़बड़ी करी होती है, तभी वो लगता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वालों को वो लगता है कि नहीं मुझे बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, तो वो मांगते हैं। अब फॉर्म 16 की मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आप एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं होती है, या कई बार आप थर्ड पार्टी पे काम कर रहे होते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एमएनसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी से आप एम्प्लॉय हो, वो थर्ड पार्टी है, और आप काम किसी दूसरी कंपनी के लिए कर रहे हो, तो उनको वो थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स इसके भेजे हैं, सैलरी स्लिप इस कंपनी की भेजी है, ऑफर लेटर ये भेजा है और आईडी वगैरह ये भेजा है, तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उस बेस पे वो फॉर्म 16 मांगते हैं, क्योंकि फॉर्म 16 में क्लियरली मेंशन होता है कि आप किसके एम्प्लॉय हो, क्या मतलब आपका पूरा बायोडाटा वो निकाल लेते हैं, अगर सीधी सी बात में मैं यहाँ पे बोलूँ तो। इस वजह से वो फॉर्म 16 मांगते हैं, आपसे पहले नहीं मांगते, नहीं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हो सारी चीज़ें, तो आप फॉर्म 16 भी डाल दो, बैंक स्टेटमेंट भी डाल दो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक ही बार में अपलोड कर दो, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें कुछ मिस्टेक लगती है तभी फॉर्म 16 मांगते हैं, तभी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में फॉर्म 16 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। कुछ कंपनीज ने कर दिया है मैंडेटरी कि जब भी आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, तो अपना फॉर्म 16 भी अपलोड करो। कुछ ने अभी किया है मैंडेटरी, बाकी आने वाले दिनों में ये मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि उनको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉय कई बार नॉट रीचेबल होता है, कई बार मेल पर रिप्लाई नहीं देता, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हो सकता है कि वो मैंडेटरी हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।